अभी आपको पता चला होगा, न्यूज़ में आता आ रहा होगा, अभी बहुत बवाल हो रहा है कि मजदूरों को ट्रेन से उनके उनके लोकल स्थानों पर वापस भेज दिया गया, उनके अपने अपने में स्टेट्स में वापस भेज दिया गया और बहुत बड़ी तादाद में गए। सरकार कह रही है कि 85% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 15% स्टेट गवर्नमेंट देगी। लेकिन फिर सोनिया गांधी आती हैं और वो ये कहती हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आके कि नहीं, ये पैसा मजदूरों से लिया जा रहा है, यहाँ तक पानी के बोतल का पैसा भी लिया जा रहा है। नीतीश कुमार आके कहते हैं कि नहीं भैया, सब फ्री है, ऐसा कुछ नहीं, सेंटर इतना दे रही है, हम इतना दे रहे हैं। लेकिन मैडम को तो अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अब आपको रवीश कुमार की एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। रवीश कुमार का क्या पहले सुझाव था और जब वो मान लिया जाता है, मतलब वो क्रिटिसाइज करने के लिए पहले एक सुझाव देते हैं कि क्यों ना ऐसा किया जाए, सरकार ऐसा कर देती तो क्या हो जाता, और फिर जब ऐसा हो जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम बस क्रिटिसाइज करते रहेंगे, सरकार मानेगी थोड़ी, लेकिन कभी 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 सरकार सुन लेती है और जो बात सही है उसको सुनना भी चाहिए, क्रिटिसिज्म का यही फायदा होता है, वो भी हेल्दी क्रिटिसिज्म का। तो सरकार ने सुना, अब जब सुन लिया तो उनके रुख ऐसे बदले कि देख के बस एक ही ख्याल आया कि अगर दलालों की और दल बदलों की शक्ल ऐसी होती है तो बिल्कुल ऐसी दिखती है। अब वीडियो देखिए। अच्छा होता ट्रेन चला दी जाती और ट्रेन में देह से दूरी का पालन करना आसान भी होता और एक रेलगाड़ी में बस की तुलना में ज्यादा लोग आ भी सकते और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा सकते थे। कुछ मुख्यमंत्रियों ने इसकी मांग भी की लेकिन अनसुनी कर दी गई। केंद्र सरकार ने आखिरकार मजदूरों को रेलगाड़ी से वापस भेजने का फैसला कर लिया। तो क्या हम इस संकेत के रूप में इसे देखें कि तालाबंदी की प्रक्रिया भी और चल सकती है, क्योंकि जब आप मजदूरों को दूसरी जगह पहुंचाने का फैसला कर रहे हैं, वो भी महीना भर से ज्यादा गुजर जाने के बाद, तो क्या आपने ये सोचा है कि अगर तालाबंदी टूटेगी तो कारखानों को, दुकानों को और बाजारों को चलाने के लिए इन मजदूरों की वापसी के लिए क्या फिर से ट्रेनें चलाई जाएंगी? क्योंकि रियायत तो एक बार के लिए ही दी गई है अपने घरों तक पहुंचने के लिए। और ऐसे लोगों को कुछ लोग इतना महान समझते हैं, इतना इंटेलेक्चुअल समझते हैं, इतना मतलब पत्रकारिता की जगत का इतना बड़ा भगवान समझते हैं कि अगर NDTV पे कुछ लिख के आ गया या NDTV की रवीश कुमार ने कुछ बोल दिया तो मतलब वो पत्थर की लकीर होगी, वो हर जगह दिखाएंगे, हर जगह उड़ाएंगे। भले यही NDTV और यही लोग जो हमारे 5 शहीद हुए हैं जवान, उनके लिए लिखते हैं कि 5 किल्ड इन कश्मीर एंड ये और वो, किल्ड, ये किल्ड वर्ड नहीं यूज़ किया जाता, किल्ड वर्ड उनके लिए यूज़ किया जाता है जो आतंकवादी हैं, जो टेररिस्ट हों, जो क्रिमिनल्स हों, उन्होंने इनके लिए, उनको शर्म भी नहीं आती और ऐसे लोगों को लोग प्रेस करते हैं। फिर जो जो लोग प्रेस करने वाले हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं या जो भी हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारी देशभक्ति की डेफिनेशन बस आपसे अलग है, देशभक्त तो हम भी बहुत बड़े वाले हैं, लेकिन फिर ऐसे लोगों को सपोर्ट क्यों करते हो? मुझे कम नहीं बताना अगर कोई ऐसा देख रहा तो कि आपकी डेफिनेशन क्या है, आप ये सब जानने के बाद भी ऐसे इंसान को सपोर्ट कर कैसे सकते हो? और सही मायने में नफरत कौन फैलाता है अपने पत्रकारिता के जरिए, ये मैं तो अच्छे से जान गया हूँ। आपके अपने विचारों को तो आप कमेंट बताइएगा, आपका भी डाउट क्लियर कर दूँगा। फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।